यहाँ पे मैं चेंज सिग्नल वाला लास्ट वाला जो है उसको यूपीआई से खरीदना बताऊंगा कि फोन पे पेटीएम गूगल पे आप उनसे कैसे खरीद सकते हैं पूरी। या देखिएगा यहाँ पे फाइनली हमारा जो एड ऑन है वर्क करने लगा है, फाइनली हमने उसको परचेस कर लिया, पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। आप देख सकते अभी तक यहाँ पे 15 रुपए लेकर आ रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पेमेंट किया यहाँ पे परचेस का ऑप्शन आ चुका है, 15 रुपए में हमने ये खरीद लिया, कोई भी दिक्कत हमें देखने को। फोन पे से मैंने ये पेमेंट किया, आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग में, और यहाँ पे फाइनली पेमेंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं वापस हमारे गेम के अंदर। और हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस आज की इस वीडियो में कोई गेम प्ले नहीं करने वाला, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D में जो 3 टाइप्स ऑफ एडवांस है उनको कैसे परचेस किया जाता है, ठीक है। जेन्युइन तरीका आपको बताने वाला हूं, फुल प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूं। अगर आपको एनवन गेमिंग पे इंटरेस्ट है तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे मैं गिव अवे कर रहा हूँ यहाँ पे तीनों एडवांस का, 3 सब्सक्राइबर लकी सब्सक्राइबर को यहाँ पे तीनों देने वाला हूँ। फर्स्ट वाले को ये दूंगा, सेकंड को ये, और थर्ड वाले को ये वाला दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 ईमेल आईडी बनाऊंगा, तीनों पे इनको खरीद लूंगा, और तीनों ईमेल आईडी तीनों सब्सक्राइबर के साथ मैं शेयर कर दूंगा आईडी पासवर्ड, और वो अपने में लॉगिन करेंगे तो वो इस गेम के साथ गेम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई से, वॉलेट से, और एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, मैं तीनों से आपको परचेस करके बताने वाला हूं, ताकि जिससे आपको जो भी सूटेबल लगे आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही तरीका है खरीदने का, तो आप उसको भी रिकमेंड भी करूंगा आपको कि आपको यूपीआई से, एटीएम से किससे खरीदना चाहिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, 3 वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। सबसे पहले एक यूपीआई की बनाऊंगा, दूसरा एटीएम कार्ड की, और तीसरा आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वॉलेट वगैरह से कैसे परचेस किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में आपको यूपीआई से बताऊंगा, यूपीआई मतलब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, उनसे जब पेमेंट करते हैं तो उससे कैसे परचेस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लास्ट वाला देखें, चेंज सिग्नल है 15 रुपए का, तो इसको आज मैं यूपीआई से खरीदने वाला हूँ। क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी तरीके का फ्री एड ऑन नहीं बताने वाला, क्योंकि फ्री एड ऑन इसमें एक्चुअली में मिलता ही नहीं है। आपको फेक वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जेन्युइन तरीका यही है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपको फ्री में नहीं मिलने वाला। आप रेट देख सकते हैं 15-20-25, इससे ज्यादा मतलब है ही नहीं ना, बहुत ही सस्ता आज के टाइम पे, तो ये बहुत ही सस्ता है, मतलब 15-20-25 रुपए में, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही लास्ट वाले एड ऑन पर क्लिक करता हूँ 15 रुपए वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड, दूसरे पे यूपीआई, तीसरे पे नेट बैंकिंग, चौथे पे हमारा रिडीम कोड। यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कर लेते हैं यूपीआई पे, यहाँ पे ऊपर अमाउंट भी आ चुका है 15 रुपी। यहाँ पे सिग्नल चेंज वाला हमारा एड ऑन आज हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन आ गई, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट मेथड जब भी कोई ओपन होता है तो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप किसी भी एप्लीकेशन से, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन पेमेंट वाला है, बैंक का इशू है, इसलिए आप इसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते। यहाँ पे ये जो मैंने टिक लगाया राइट टिक, यहाँ पे पूरे पेमेंट मेथड आ गए, अमेजोन, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, गूगल पे, जितने भी मेरे मोबाइल में है वो सारे आ गए थे, तो मैंने उसमें से फोन पे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप जैसे ही फोन पे को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप पेटीएम, गूगल पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट आपको करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने फोन पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे अमाउंट आ गया 15 रुपी, और यहाँ पे पे 15, नीचे आप देख सकते हैं बटन आ गया पे 15 रुपी का। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा यूपीआई पिन डाला मैंने, 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है। जैसे ही यूपीआई पिन डालेंगे तो यहाँ पे ये हमारा पेमेंट हो गया सक्सेसफुल। जैसे ही सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, रिक्वायरमेंट ऑथेंटिकेशन परचेस, ये पूछ रहा है। आप फोन पे को भी आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, मैं कर देता हूँ नो थैंक्स, मतलब आगे जाके मुझे जिससे करना है मैं करूंगा, नो थैंक्स मैंने कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली हमारा चेंज सिग्नल वाला परचेस हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि इसको हमें ट्राई भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, खरीद लिया तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। वैसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको एनवन गेमिंग पे ट्रस्ट है ऑफकोर्स मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कार एनवन डब्ल्यू में चलते हैं हमारी, और यहाँ पे सिग्नल के पास आ चुके हैं, और सिग्नल के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज सिग्नल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखो हो गया हमारा काम, यहाँ पे फाइनली सही काम। ओ नहीं 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 नहीं, बेकार हो जाएगा, ऐसा तो करने का ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने हिला डाला पूरे सिग्नल को, यहाँ पे ट्रेन आके आप देख सकते हैं रुक चुकी है, मामाना एक्सप्रेस, यहाँ पे सिग्नल रेड है, जल्दी से इसको ग्रीन कर देते हैं और अंदर चल के इसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। आप बढ़िया से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको कौन लकी विनर है वहीं पे दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, बताइए वीडियो कैसी लगी, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलाते रहता हूँ, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। मिलते हैं कल रात 9 बजे वाली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।